हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन एंड लाइफस्टाइल बाय शिवानी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो सबसे एक so छोटा सा बम्प था जो कि ना ब्लैक हेड था ना व्हाइट था एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कैसे जाएगा जब मैंने किसी को दिखाया या किसी से भी पूछा उसके बारे में तो सबने मुझे कहा कि इसके लिए आपको लेजर कराना पड़ेगा तभी यह जाएगा लेकिन मैं अपने स्किन केयर के लिए और अपनी होम रेमेडीज के लिए बहुत पॉजिटिव थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि कभी ना कभी ना मेरी स्किन केयर से होम रेमेडीज से चला जाएगा तो जब हम बिलीव करना स्टार्ट करते हैं ना तो थिंग्स अपने आप हैपन होना शुरू हो जाती हैं जो कि मैंने देखा तो क्या हुआ कि कल मैं अचानक से अपने फेस पे ऐसे हाथ लगा रही थी और मैंने देखा कि वो नहीं है वहां पे यहाँ पे यहाँ पे एक बम्प था जो कि स्किन कलर का ही था और डे बाय डे वो बड़ा हो रहा था और मैंने देखा कि वो चला गया आई डोंट नो वो कैसे चला गया मैं होम रेमेडीज डेली यूज कर रही थी अब कुछ टाइम से जब से मैंने स्किन केयर स्टार्ट किया है ना अपनी स्किन केयर जर्नी जो कि मैं आपके साथ भी हमेशा शेयर करती हूँ तो वो इतनी मैजिकल रही है ना मेरे लिए कि मेरी स्किन टोन मेरी स्किन का टेक्सचर प्लस मेरी स्किन पे जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी दूर हो रही है डे बाय डे तो इसीलिए मैं आपके साथ भी इन्हें शेयर करती हूँ ताकि आपके अंदर भी वो कॉन्फिडेंस आ सके आपकी स्किन पे बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर हो जाए मेरी तरह और आपकी स्किन भी बहुत ही ज्यादा ग्लोइंग हो जाए तो अब जल्दी से अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं हैविंग ऑयली स्किन इज अ प्रॉब्लम फॉर ऑल ऑफ अस राइट ऑयली स्किन सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन समर सीजन में ये सिचुएशन और ज्यादा वर्स होती रहती है क्योंकि जितना भी ऑयल है पोल्यूशन है वो सारा कहाँ ज्यादा स्टिक होता है ऑयली स्किन पे ड्यू टू द सेबम प्रोडक्शन तो अगर हमारी स्किन पे डस्ट और पोल्यूटेंट ज्यादा चिपकेगा तो उससे और क्या होगा एक्नेस और पिंपल्स भी तो होंगे ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ जाती है ना कि हमारे स्किन पे ब्रेकआउट होने शुरू हो जाते हैं जिससे कि हमारी स्किन बहुत डैमेज हो जाती है लेकिन आज जो मैं आपके साथ फेस पैक शेयर करने वाली हूँ ना वो आपकी प्रॉब्लम को बिल्कुल ईजिली दूर कर देगा सो इफ यू आर फेड अप विद ऑयली एंड स्टिकी स्किन ड्यूरिंग दिस समर्स सो दिस डी आई वाई फेस पैक इज जस्ट फॉर यू तो अब आप वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना ताकि आपकी ये जो प्रॉब्लम है ऑयली और स्टिकी स्किन की ये बिल्कुल इजीली दूर हो जाएगी और आपकी स्किन बिल्कुल ग्लोइंग और क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी तो अब जल्दी से मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि हमें आज यूज किस किस इंग्रेडियंट का करना तब तक आप मेरी वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट वीडियो हमारा नंबर वन इंग्रेडिएंट है मुल्तानी मिट्टी यस मुल्तानी मिट्टी पुराने जमाने से यूज होती आ रही है और इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो की आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिड्यूस करती है और आपकी स्किन को बिल्कुल ही क्लीन एंड क्लियर बना देती है तो इसलिए आज हम यूज करने वाले मुल्तानी मिट्टी को सेकेंड इंग्रेडिएंट इज आलमंड्स का पेस्ट आलमंड्स के पेस्ट के लिए आपको क्या करना है आपको सबसे पहले रात को बादाम को भिगो के रख देना है सुबह उठ के उन्हें पील कर लेना है पील करके अच्छे से उन्हें ग्राइंड कर लेना हल्का सा रॉ मिल्क डाल के उसे ग्राइंड कर लेना ताकि वो बिल्कुल एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए हमें उसे यूज करना है व्हाइट आलमंड्स आपके स्किन को नरिश करते हैं उसे सॉफ्टन बनाते हैं प्लस जितनी भी आपकी सन से डैमेज हुई होती है ना स्किन उन्हें रिपेयर करते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे आज यूज करोगे नंबर थर्ड इंग्रेडिएंट इज रोज वाटर रोज वाटर तो आपको पता है कि वो कितना हाइड्रेटिंग होता है और समर सीजन में हमारी स्किन के लिए रोज वाटर बहुत ही अच्छा है ये आपकी स्किन से सभी प्रॉब्लम्स को दूर करता है आपकी स्किन को रिफ्रेश करता है अगर आपकी स्किन सन से डैमेज हुई है तो उसमें भी आपकी हेल्प करता है अगर आपकी स्किन पे कोई रेडनेस है कोई इन्फ्लेमेशन है उसे भी दूर करता है इसलिए आज हम समर के स्पेशल डी फेस पैक में रोज वाटर को भी यूज करेंगे तो अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि हमें इस फेस पैक को रेडी कैसे करना है और इसे अप्लाई कैसे करना है वीडियो को एंड तक देखा कीजिए ताकि आपको ये पता चले कि हमें इसे किस क्वांटिटी में किस तरीके से बनाना और कैसे इसे अप्लाई करना है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट की अगर हम इसे ठीक से अप्लाई करेंगे ना तभी आपकी स्किन बेटर ऑफ होगी तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ की वीडियो को जरूर एंड तक देखना तो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ की हमें इसे बनाना कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल एक एम टी बोल ले लो अच्छा सा बोल लो ताकि आपको बनाते हुए भी मजा आए और लगाने में भी, भी मजा आए तो इसमें आपको क्या ऐड करना है स्पून ऑफ मुल्तानी मुल्तानी मिट्टी मिट्टी भर के एक चम्मच का इसमें ऐड कर दो उसके बाद हमारा करनाडियंट आलमंड का पेस्ट वो आपको यहाँ पे डेढ़ चम्मच ऐड करना है अच्छे से इसको मिक्स कर लेना ये थोड़ा सा थिक हो जाता है तो इसमें रॉ मिल्क ऐड करना है आपको थोड़ा सा एक चम्मच और आपको ऐड करना है साथ में एक चम्मच रोज वाटर का तो इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका फेस पैक इज रेडी अब हमें इसे अप्लाई करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने फेस को पहले क्लीन करना है तभी आपको फेस पैक को अप्लाई करना है क्योंकि हमेशा क्लीन फेस पे ही फेस पैक को अप्लाई करना चाहिए नहीं तो उसे लगाने का को कोई बेनिफिट नहीं मिलता अगर आप फेस वॉश यूज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो लेकिन आई प्रेफर टू क्लीन माई फेस विद रॉ मिल्क तो मैंने रॉ मिल्क लिया कॉटन पैड लिया और अच्छे से अपने फेस को कर लिया वाइप अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें अच्छे से अपने हैंड से अपने फेस पे इस फेस पैक को इवनली अप्लाई कर लेना स्पेशली द एरिया अराउंड द नोज द लिप्स जहाँ पे भी आपका एरिया थोड़ा सा डार्कन हो जाता है वहाँ पे भी इसे अप्लाई कर सकते हो नेक पे भी अप्लाई कर सकते हो इसे इजीली दिस फेस पैक इज रियली वेरी नाइस तो यू कैन अप्लाई इट एनी तो अप्लाई करने के बाद वेट फॉर द फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट इसे हमें कम्प्लीटली ड्राई नहीं करना है जब ये थोड़ा सा ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा ना आपको अपने हैंड्स को वेट करना है और अच्छे से मसाज करनी है अपने फेस पे फॉर टू टू थ्री मिनट्स अच्छे से मसाज करना ताकि इसके जितने भी के के मुल्तानी मिट्टी के, ये सारे आपके स्किन के अंदर जा सके और जब आपको इसके सारे बेनिफिट्स मिलेंगे ना तो आपके स्किन एकदम से रेडियंट वाला ग्लो देगी आपको तो मसाज करने के बाद अब हम अपने फेस को कर देंगे क्लीन विद द हेल्प ऑफ वाटर जब आप पानी से अपने फेस को क्लीन करोगे ना आप देखोगे कि आपके चेहरे पे क्या अच्छे वाला ग्लो आ जाता है आप देख सकते हो साइड में मैं आपको लाइव कि आप आपने अगर इसे यूज किया तो आपको कितना अमेजिंग बेनिफिट हुआ तो इसे आप जरूर ट्राई करना क्योंकि आई नो इसका हंड्रेड परसेंट रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी एक ही बार में तो इसलिए ट्राई तो आपको करना है ना तो आप इसे ट्राई करना फिर कमेंट सेक्शन में आगे लिखना कि आपको इसे यूज करके क्या बेनिफिट मिला अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक माय वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर दर लेटेस्ट वीडियोस। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय